किसान मजदूर फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेवीकेएसएस नेता संतोष महतो के कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान मजदूर फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि डेली मार्केट के किसान और उनकी समस्याओं को आधार बनाकर संतोष कुमार महतो राजनीतिक रोटी सेकने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड किसान महासभा के बैनर तले आंदोलन करने वाले खुद को जेबीकेएसएस का प्रतिनिधि बताने वाले संतोष कुमार महतो के द्वारा यहां पर जेबीकेएसएस पार्टी के नीति और सिद्धांत के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है और राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहे हैं, जो कभी भी सफल नहीं हो सकता। उन्होंने संतोष महतो से जुड़े पुराने मामले को भी प्रेस विज्ञप्ति में दर्शाते हुए संतोष महतो को चरित्रहीन बता, किसान और मजदूरों को जाति के आधार पर बांटने, राजनीतिक क्षेत्र में असफल होने के बाद नई राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए किसानों को बरगलाकर वोट का राजनीति करने वाला बता रहे हैं। फाउंडेशन के लोगों ने संतोष महतो पर छात्रों को विद्यालय और महाविद्यालय में नामांकन कराने, युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने का आरोप लगाया है। वहीं उन लोगों का कहना है कि संतोष महतो जमीन दलाली से जुड़े होने के कारण विभिन्न बैनर तले डेली मार्केट की कीमती जमीन पर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी गिद्ध नजर डेली मार्केट के कीमती जमीन पर है ताकि वो उसका आर्थिक लाभ उठा सके, लेकिन हम लोग उनके मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे। अपने इस आरोपों के संदर्भ में संतोष महतो ने क्या कहा, हम आपको अगले खबर में बताएंगे। डेली मार्केट हम सभी पूर्वजों का एक जीवन यापन का जरिया रहा है और ये कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा उस समय हमारे ज़मीनों का अधिग्रहण करके हम लोगों को वहाँ सब्जी बेचने का उस समय से लेकर आज तक हम लोगों को वहाँ अधिकार दिया गया था, लेकिन कुछ आज के राजनीतिक उदंतता को दिखाते हुए कुछ राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका हम मूल निवासी किसान मजदूर संघ फाउंडेशन के सभी सदस्य मिलकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इसके लिए हम लोगों को किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। हम लोग जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी तरह से किसी भी कारणवश इन लोगों को राजनीतिक रोटी सेकने नहीं दिया जाएगा। गढ़ पुरानी डेली मार्केट को पिछले दिनों षड्यंत्र के तहत वहाँ बरसों से सब्जी विक्रेता को हटाया गया है, जो रामगढ़ कैंट के स्थानीय किसान थे और सदियों से सब्जी विक्रेता कर अपना जीवन पालन कर रहे थे। षड्यंत्र के तहत है सो राजनीतिक से प्रेरित होकर कुछ लोग, खास करके संतोष महतो, जिनका चरित्र साफ सुथरा नहीं है, उनकी छवि खराब है और वैसे लोग अपने षड्यंत्र के तहत ब्लैकमेलिंग करने के दृष्टिकोण से ये राजनीति का खेल खेल रहे हैं। एक तरफ जेबीकेएसएस बोलते हैं कि हम स्थानीय लोगों की बात करते हैं, हम खतियाने को बात करते हैं, जबकि वर्तमान अभी जो डेली मार्केट है वहाँ पर 100% लोग खतियानी हैं और किसान हैं। अभी जो संतोष महतो हैं, इन पर 2016 में गोंडा थाना केस नंबर 118 में एक आरोप लगा था इन पर, जिसमें इनको लगा था सेक्शन 376 जिसमें इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तो एक तरफ जेबीकेएसएस कहते हैं कि हम साफ सुथरे छवि वाले लोगों को अपने पार्टी में ला रहे हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इस तरह के संदिग्ध आपराधिक विचारधारा वाले व्यक्ति को लाकर क्या लोगों को
परेशान करने का काम किया जा रहा है, क्या किसानों के आड़ में एक अपनी असफल राजनेता के तौर पर अपनी छवि को रखने वाले एक नेता अपने को सफल नेता बनाने का प्रयास कर रहे हैं क्या? संतोष कुमार महतो जी जो अपने आप को कहते हैं कि हम किसान का मसीहा हैं और मूलवासी खतियान का हम लड़ाई लड़ते हैं, जो JBKSS का अपने आप को कार्यकर्ता बोलते हैं कि हम किसानों को गुमराह कर अफसरों को उल्टा सीधा समझा कर अपना रोटी सेक ले और हम अपने आप को छवि हीन के जगह में अपना छवि बता रहे हैं कि हम बहुत साफ सुथरे हैं, तो इनको खुद को अपने आप को ढूंढना चाहिए, समझना चाहिए। ये डेली मार्केट में किसान मजदूर संघ फाउंडेशन, ये सिर्फ यहाँ का किसान और रैयत भी है, ये बिचौलिया हैं। ये बिचौलिया का शब्द जो संतोष कुमार महतो प्रयोग करते हैं वो अपने आप में देखें कि हर क्षेत्र में वो बिचौलिया का खुद काम कर रहे हैं और यहाँ तक कि इनका छवि पार्टी को भी धूमिल करने का काम कर रहे हैं JBKSS का।